दोस्तों, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है और ये भारत की बढ़ती कूटनीतिक क्षमता ही है कि जर्मनी जैसे देश को भी भारत के आगे माफी मांगनी पड़ती है और अपने बयानों से पीछे हटना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जर्मनी ने कश्मीर मुद्दे के ऊपर बयान देते हुए कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को समर्थन दिया था और ये बात कही थी कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे विवाद और परेशानियों को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जबकि जर्मनी के इस बयान ने भारत को काफी नाराज कर दिया था, जिसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बिना जर्मनी का नाम लिए इस बयान के ऊपर काफी बड़ा और अच्छा जवाब दिया, जिसके तहत भारत ने यह बात साफ कर दी कि विश्व के हर देश को आतंकवाद से लड़ने में अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, खास करके तब जब आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर नेचर का हो। वहीं इसके अलावा भारत ने यह बात भी साफ तौर पर कही कि जर्मनी के बयान उन लोगों के साथ बेहद ही बड़ी नाइंसाफी है जो कि आतंकवाद के शिकार हुए हैं। साथ ही भारत ने जर्मनी को यह बात भी याद दिलाई कि पाकिस्तान वही देश है जिसके ऊपर यूएन और एफएटीएफ कई संगीन मामलों के ऊपर जांच कर रहे हैं। भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि भारत ने जर्मनी को यह बात भी याद दिलाई कि कश्मीर और भारत में हुए आतंकवादी हमलों में कई विदेशी नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। वहीं ऐसे में भारत ने जर्मनी के बयान को पूरी तरह से गलत ठहराया और पूरे विश्व का ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि कैसे भारत के अंदर लगातार आतंकवादी हमले होते रहे हैं, जिसमें भारत और विदेशों के भी कई आम नागरिकों और मासूमों की जान गई है। भारत की तरफ से लगातार काफी कड़ी शब्दों में प्रतिक्रिया आने के बाद जर्मनी को इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने ये बेवजह का बयान देकर काफी बड़ी परेशानी मोल ले ली है। दोस्तों, मामले को तूल पकड़ता और भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अब जर्मनी अपने बयान से पीछे हट गया है, जिसके तहत जर्मनी के एम्बेसडर ने अब ये बात साफ की है कि उनकी स्थिति कश्मीर मुद्दे को लेकर अभी भी नहीं बदली है और वे ये बात मानते हैं कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है, जिसे कि शिमला एग्रीमेंट के तहत ही देखा जाना चाहिए। इसके अलावा अब जर्मनी ये बात भी साफ कर चुका है कि कश्मीर के अंदर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका काफी सीमित है। दोस्तों, जर्मन एम्बेसडर के बयान से ये बात साफ हो चुकी है कि भारत के द्वारा डाला गया कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने जर्मनी को अपने पिछले बयानों से मुकरने के लिए मजबूर कर दिया और अब एक बार फिर से जर्मनी भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जर्मनी भी इस बात को अच्छे से समझता है कि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए तो जर्मनी को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कि मौजूदा वैश्विक हालातों में जर्मनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जहां एक तरफ रूस के साथ यूक्रेन को लेकर पहले ही परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वहीं पर पूरे यूरोप में एक आर्थिक संकट आ चुका है। खास करके जर्मनी उन कुछ चुनिंदा यूरोपियन देशों में से एक है जो कि रूस के खिलाफ बढ़ चढ़ कर न तो बयानबाजी कर रहा है और न ही यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। ऐसे में अगर भारत के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो जर्मनी को काफी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब जर्मनी ने भारत के साथ बातचीत करके और पिछले दिए गए बयानों के ऊपर क्लेरिफिकेशन जारी करके भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की तरफ एक काफी अच्छा और सकारात्मक कदम उठाया है, जिससे आगे जाकर भारत और जर्मनी के रिश्ते मजबूत हो सकेंगे और दोनों देशों के बीच की द्विपक्षीय साझेदारी बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ सकेगी जैसे अभी तक बढ़ते आई है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों भारत सरकार की तरफ से अब एक काफी बड़ा बयान सामने आया है, जिसके तहत इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि अगले 30 से लेकर 60 दिनों के अंदर ही भारत कई कंपनियों के निवेश और फैक्ट्रियां स्थापित करने के प्रपोजल को अप्रूवल दे सकता है, जो कि भारत के अंदर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहते हैं। सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पिछले 8 से लेकर 9 महीनों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश के अंदर काफी विकास हुआ है और भारत के पास विश्व की कई कंपनियों की तरफ से देश के अंदर 1.53 लाख करोड़ का निवेश करने का प्रपोजल मौजूद है, जिन्हें अगले 60 दिनों में अप्रूवल दिया जा सकता है, जिसके बाद भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारत इसमें महारत हासिल करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत ने जिस तरीके के प्रयास पिछले कुछ महीनों में किए हैं, उनसे ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगले कुछ सालों में ही भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक खिलाड़ी बनकर सामने आ सकता है। इसके अलावा भारत ने इस बात की योजना बनाई है कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत का 100% सेमीकंडक्टर चिप देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगा। वहीं पर उसके बाद अगले कुछ सालों में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका निर्यात काफी बड़े स्तर पर करना शुरू करेगा, जिसके बाद धीरे धीरे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में अपना विस्तार करेगा और बहुत जल्दी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जर्मनी के बीच में हुए इस विवाद के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।